नमस्कार, आइए आज बनाते हैं मूंगरे की सब्जी। मूंगरे की सब्जी बनाने के लिए मूंगरों को दोनों तरफ से इस तरह से काटिए। उसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी मिलाकर 2-3 मिनट तक उबालिए। ठंडा होने पर इन्हें एक खुले बर्तन में निकालिए। आलूओं को इस तरह से काटिए। टमाटर को भी बारीक काट लीजिए। धनिया, मिर्च, मेथी दाना और जीरा तैयार रखिए। लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काटिए। अब तेल गरम कीजिए, उसमें मसाला भूनिए। उसके बाद इसमें लहसुन, प्याज और अदरक को डालिए। अब इसमें हल्दी पाउडर, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, एक कटे हुए टमाटर मिलाइए। टमाटर मिलाने के बाद इसमें नमक और मेथी पाउडर मिलाइए और इन्हें धीमी आंच पर तब तक चलाते रहिए जब तक टमाटर ना गल जाए। अब इसमें कटे हुए आलू मिलाइए। आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद इसमें उबले हुए मूंगरे मिलाइए। मूंगरों को भी अच्छी तरह से आलू के बीच में मिक्स कीजिए। अब इन्हें ढककर रखिए और बीच बीच में ढक्कन उठाकर देखना शुरू कीजिए कि आलू पक चुके हैं या नहीं। तो लीजिए, अब हमारे आलू मूंगरे की सब्जी तैयार हो चुकी है। इसे खाने के लिए परोसिए। आलू मूंगरे की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो इसे आप ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।